ग्रिड पर प्रत्येक छोटा वर्ग एक वर्ग इकाई के क्षेत्रफल को दिखाता है तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ग्रिड है इसमें ये जो छोटे छोटे वर्ग या फिर स्क्वेयर्स बने हुए हैं इन सभी का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई एक के बराबर है यानी कि अगर हम इस ग्रिड में कोई भी एक छोटा वर्ग या स्क्वायर ले लें मान लेते हैं कि अगर मैं ये वाला वर्ग उठा लूँ तो इसका क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई के बराबर है या फिर अगर मैं ये वाला वर्ग ले लेती हूँ ले, तो ये भी एक वर्ग इकाई के ही बराबर है इसी तरीके से ये सभी वर्ग यहाँ पर ये सभी छोटे वर्ग इनका क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई या एक यूनिट के बराबर है दस वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाला एक आयत ग्रिड पर बनाएं। तो चलिए पहले तो समझते हैं कि क्षेत्रफल या फिर एरिया क्या होता है तो अगर हमारे पास कोई आकृति है तो वो आकृति किसी सतह पर कुल कितनी जगह घेरती है वह आकृति एक सतह पर कुल कितनी जगह घेरेगी यह हमें बताता है कि उस आकृति का कुल क्षेत्रफल या एरिया कितना होना चाहिए यानी कि हमें एक ऐसा रेक्टेंगल या आयत बनाना है जो कि हमारे इस ग्रिड पर 10 वर्ग इकाइयों की जगह को घेर ले तो इसके लिए अगर हम अपने इस ग्रिड को देखें तो हमें कुल 10 वर्ग इकाइयाँ चाहिए और क्योंकि यहाँ पर हर एक छोटा वर्ग एक वर्ग इकाई के बराबर है तो हमें कुल ऐसे दस वर्गों का एक आयत बनाना होगा तो अगर हम बस अपनी इस ऊपर वाली पंक्ति को देखें तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये यह सभी वर्ग यहाँ अगर हम इन सभी को एक साथ ले लें तो क्या हमें दस वर्ग इकाइयों का आयत मिलेगा तो यहाँ पर मेरे पास एक वर्ग है दो तीन चार पाँच छ सात हमारे पास सिर्फ सात छोटे वर्ग हैं तो अगर हम ये सिर्फ ऊपर वाली पंक्ति लेते हैं तो हमें दस वर्ग इकाइयों का आयत तो नहीं मिलेगा चलिए अब एक बार नीचे भी देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर हम कुछ इस तरीके से ले लें तो क्या हमारे पास दस वर्ग इकाइयाँ होंगी ये हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः तो यहाँ अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी सिर्फ छ ही वर्ग आते हैं हमारे इस आयत में यानी कि ये आयत इसका क्षेत्रफल छः वर्ग इकाइयों के बराबर है लेकिन हमें तो दस वर्ग इकाइयों वाला क्षेत्रफल चाहिए तो यानी कि ये वाला जो आयत है ये भी हमारा जवाब नहीं है यानी कि यहाँ पर हमें अपने इन दस वर्ग इकाइयों को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर हम एक सीध में चलते रहें, तो हमें इतना क्षेत्रफल तो नहीं मिल रहा है तो अब हमें सोचना होगा कि हम दस को कैसे तोड़ सकते हैं तो दस को हम दो पंक्तियों के पांच वर्गों में तोड़ सकते हैं यानी कि अगर हम Osionfish. दो पंक्तियाँ ले लें और हर एक पंक्ति में कुल पांच वर्ग हो, तो कुल मिलाकर हमें दस वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाले वर्ग मिल जाएंगे यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर मैं ये यह यहाँ पर दो पंक्तियाँ ले लूँ शुरू की और हर एक पंक्ति में मैं कुल पांच छोटे वर्ग ले लूँ तो यहाँ पर ऊपर और नीचे मेरे पास एक एक वर्ग आ गए ये हो गए दो वर्ग तीन वर्ग चार पाँच तो यहाँ पर मेरे पास कुल दो पंक्तियाँ हो गई और हर पंक्ति में है मेरे पास पांच वर्ग चलिए इसे गिन भी लेते हैं ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा आयत है इसका कुल क्षेत्रफल दस वर्ग इकाइयों के बराबर होना चाहिए और ये तो बस एक जवाब है हमारा ये आयत इस ग्रिड पर कहीं भी हो सकता था आप अगर ये वाली दो पंक्तियां ले, ले लेते और इनमें कुल पाँच पाँच वर्ग ले, ले लेते तो ये भी आपका सही होता या फिर अगर आप चाहें तो इन पांच वर्गों को इन पांच वर्गों की दो पंक्तियां ले सकते हैं यहाँ ये भी चीज सही होती बिल्कुल तो कहने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर हम इस ग्रिड पर कहीं भी दो पंक्तियां ले लें जिसमें हर एक पंक्ति में कुल पांच वर्ग हो तो हमें एक दस वर्ग इकाई वाला आयत मिल जाएगा तो ये तो एक तरीका है दूसरा तरीका है कि अगर हम पांच पंक्तियां ले लें और हर एक पंक्ति में कुल दो वर्ग हों यानी कि अगर मैं कुछ इस तरीके से ले लूं, अगर मैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच पंक्तियाँ ले लूं और हर एक पंक्ति में कुल दो वर्ग हों कुछ इस तरीके से तो ये वाला जो आयत है ये भी दस वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाले आयत के बराबर होगा यहाँ पर मैं चलिए गिन लेती हूँ फिर से ये हो गए दो वर्ग हमारे ये एक पंक्ति में दो वर्ग आ गए इस दूसरी पंक्ति में भी हमारे दो वर्ग आ गए यहाँ पाँच छ सात आठ नौ दस वर्ग हैं हमारे पास इस आयत में तो ये आयत भी हमारा बिल्कुल ठीक है और अगर आप चाहें तो इस आयत को इस ग्रिड पर कहीं भी रख सकते हैं और वो भी बिल्कुल सही होता